सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज हम बनाने हैं पासपोर्ट एंड वीज़ा साइज़ फ़ोटो। तो गाइस सबसे पहले आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस उसके बाद इस फ़ोटो का कलर ठीक करने के लिए हमें कंट्रोल एल पर क्लिक कर रहे हैं। गाइस इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे। इसके बाद गाइस हम कंट्रोल एम पर क्लिक करेंगे इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। तो गाइस ब्राइटनेस हमने बढ़ा दिया, थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस हो चुकी है। तो गाइस कंट्रोल एल से हम थोड़ी डार्क कर लेंगे इसे। तो गाइस अब हम कंट्रोल बी दबाएंगे इसका कलर बैलेंस सही करने के लिए। और गाइस हमें यहाँ पर ये चौरस सा ऑप्शन ले लिया है। यहाँ पर गाइस हमारा साइज़ होना चाहिए 30 mm एंड 40 mm और रेजोल्यूशन होनी चाहिए 300। तो गाइस ये हो गई हमारी फ़ोटो क्रॉप। तो गाइस अगर आप कैनन के प्रिंटर यूज़ करते हैं तो गाइस उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके 810 पर क्लिक करना है। और यह गाइस 810 को हटा के 12 लिखना है। गाइस ये होगी हमारी 8x12 की शीट। और गाइस इसे क्लिक करने के बाद गाइस हमें एडिट पर जाकर स्ट्रोक पर क्लिक करना है। और गाइस ये हमारी गंदी फ़ोटो, थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। गाइस हम ये हमें लगा दी वहाँ पर ऊपर जाकर फ़ोटो। तो गाइस हमें अब गाइस हमें कंट्रोल ई 2 बार दबाना है। और गाइस ये हो गई हमारी लेयर सिलेक्ट कर। गाइस हमें कंट्रोल ई टी दबाना है। गाइस हम सारी लेयर सिलेक्ट होने के बाद इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस मेरे प्रिंटर में थोड़ी दिक्कत है गाइस, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। तो गाइस आपको आपका प्रिंटर ठीक है तो कर सकते हैं। गाइस हमें सबसे पहले ये टिक हटाना है यहाँ से। गाइस बिना टिक कर फोटो नहीं बनेगी। तो गाइस जैसा कि अब देखिए गाइस अभी बताता हूँ मैं आपको। गाइस अगर आप टिक ही नहीं हटाओगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो गाइस मेरे प्रिंटर की ये सेटिंग है। तो गाइस 0.1 लिखना है, प्रोसेस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाकर गाइस फोटो प्रिंटिंग पर क्लिक करना है। गाइस हाई और यहाँ पर A4। तो गाइस फिर हमें यहाँ पर लिख कर देना है। गाइस अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो आपकी ऐसी रहेगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस बाय।